अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सेना को मिले हुए विशेष अधिकारों को हम हटा देंगे, आखिर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? इस देश के बारे में कांग्रेस की सोच क्या है? मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को सोचना होगा। सेना जिसके शौर्य और पराक्रम पर इस देश का कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने और विपक्ष ने संदेह के दायरे में लाने की उचित चेष्टा की। और कल का कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र एक बार फिर से उस संदेह को और पुष्ट करता है कि भारत की सुरक्षा के बारे में, वह आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा, इन दोनों के बारे में कांग्रेस की मंशा क्या है, कहां इस देश को वह ले जाना चाहती है। दूसरा, इस देश के अंदर किस प्रकार की घोषणाएं होंगी, किस हद तक जाकर के हम करेंगे, वह भी देखा होगा। यानी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का मतलब देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देना, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सभी कार्यों को रोक देना, देश के अंदर विकास की जुड़ी हुई सभी परियोजनाओं को हर प्रकार से विराम लगा देना, देश को आतंकवाद के, अलगाववाद के, उग्रवाद के हवाले कर देना। वैसे ही नहीं हुआ था, कांग्रेस की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। 2004 से 2014 के बीच इस देश के 270 जिले ऐसे थे जिनमें आतंकवाद था, जिनमें नक्सलवाद था, जिनमें अलगाववाद था, और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 वर्ष के दौरान ये आतंकवाद को, नक्सलवाद को, अलगाववाद को 270 जिले से कम करते हुए आज कुल 5 से 6 ऐसे जिले हैं जो नक्सलवाद और उग्रवाद, अलगाववाद की दृष्टि से अति संवेदनशील है। क्या व्यापक परिवर्तन है?